जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डब्लू नाम वाले जातक एवं एम नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो कैसा रहेगा। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में एस्ट्रो फॉर यू को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि जो भी एम नाम वाले जातक होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं। दोस्तों, एम नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में आजाद होना, स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कभी भी अपने जीवन में किसी भी इंसान के अंदर में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, इस नाम के जो लोग होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा अभिमानी होते हैं। अभिमानी होने के अलावा स्वभाव से बहुत ज्यादा स्वार्थी, बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं। हमेशा अपने जीवन में अपने स्वार्थ को, अपने मतलब को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। एवं एम नाम वालों के इस स्वभाव से जो डब्लू नाम वाले जातक होते हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि डब्लू नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने दाम्पत्य जीवन या अपने प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट या धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों, डब्लू नाम वाले जातक एवं एम नाम वाले जातक, इन दोनों के बारे में लगभग सारी बातें हमने सुनी एवं इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा वो सामान्य रूप से सही रहेगा। यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो फॉर यू को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय माँ दुर्गे आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।